राजस्थान के दुर्ग पड़ेंगे अपने। देखो स्थापत्य कला टॉपिक आता है, स्थापत्य कला, अगर आपके सिलेबस के अंदर स्थापत्य कला नाम आ गया ना, तो इसका मतलब आपके सिलेबस के अंदर दुर्ग, छतरियां, हवेलियां, बावड़ियां, स्तंभ, मीनार, स्मारक, मंदिर, ये इतने टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग देखो, फोर्टों पे राजस्थान, शुकर नीति, शुकर नीति के अनुसार जो किले माने जाते हैं, दुर्ग माने जाते हैं, वो कितने माने जाते हैं? तो शुकर नीति के अनुसार 9 दुर्ग, दुर्गों की श्रेणियां कितनी होती है? 9। वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी होती है? एक होता है एरण दुर्ग। कैसा दुर्ग? एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों तरफ से वनों और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो, वनों और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ वो किला कौन सा किला होता है? एरण दुर्ग होता है। फिर देखो धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग वह दुर्ग जो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हो, चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हो, जैसे बीकानेर वाला जूनागढ़ है, उसके चारों ओर मरुस्थल हुआ करता था, तो ये धानवन दुर्ग। फिर औदक दुर्ग, जो दुर्ग जल दुर्ग होता है ना, उसको बोलते हैं औदक दुर्ग, जो चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ हो वो औदक दुर्ग होता है, या जल दुर्ग बोल सकते हैं या औदक दुर्ग बोल सकते हैं। जैसे झालावाड़ का गागरोन का किला है, चारों तरफ से पानी पानी है उसके, तो वो कौन सा दुर्ग है? औदक दुर्ग या जल दुर्ग। फिर गिरी दुर्ग, गिरी होती है पहाड़ी, पहाड़ी को बोलते हैं गिरी, तो जो दुर्ग पहाड़ी के ऊपर बना हो वो दुर्ग कौन सा होता है? तो गिरी दुर्ग। ठीक है, फिर सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो, जिसके अंदर वीर सेनापति रहते हो, वो दुर्ग कौन सा होता है? सैन्य दुर्ग होता है। फिर सहाय दुर्ग, जिसमें सेनापतियों की सहायता करने वाले रहते हो, या भाई बंधु रहते हो, कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो उसके अंदर सहयोग करने वाले सैनिक रहते हो, तो वो दुर्ग कौन सा होता है? सहाय दुर्ग होता है। फिर वन दुर्ग, वन दुर्ग नाम से पता लग रहा है, वन दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, वन्य जीव अभयारण्य हो सकता है, उसके अंदर कोई बना हो तो वो वन दुर्ग। फिर पारिख दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो वो दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, गहरी खाई हो, वो दुर्ग होता है पारिख दुर्ग। तो फिर पारिद दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर मजबूत दीवार हो, और मजबूत दीवार को बोला जाता है परकोटा, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर मजबूत दीवार हो या परकोटा हो, वो दुर्ग कौन सा होता है? पारिद दुर्ग होता है। दोबारा देख लीजिए, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की कितनी श्रेणियां मानी गई है? ऐसे तो बता सकते हो बोल के, तो शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियां मानी जाती है? 9 मानी जाती है। एरण दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन या कंटीली झाड़ियां हो, वो दुर्ग कौन सा होता है? एरण दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, धानवन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल राशि हो, औदक दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बना हो, गिरी दुर्ग। वह दुर्ग जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो, सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसके अंदर सेनापति की सहायता करने वाले या राजाओं की सहायता करने वाले लोग रहते हो, सहाय दुर्ग। जो चारों ओर से वनों से घिरा हो, वन दुर्ग। जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, वो पारिख दुर्ग। और जिसके चारों ओर मजबूत दीवार हो, वो पारिद दुर्ग। ये दुर्गों की कितनी श्रेणियां होती है? 9 श्रेणियां। स्टार्ट करेंगे अपने उत्तरी राजस्थान से, उत्तरी राजस्थान से, जो राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग के अंदर किला बना है, वो किला कौन सा है? बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कहां पर है?
बटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। और बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी कह सकते हैं, या उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कौन सा किला कहा जाता है? तो बटनेर दुर्ग कहा जाता है। देखो उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार यानी राजस्थान के उत्तरी बॉर्डर के ऊपर है। इस दुर्ग का निर्माण हुआ 295 ईस्वी में। निर्माण कब हुआ? तो आगे लिखा हुआ 295 ईस्वी। निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम है, निर्माण किसने करवाया? तो भूपत भाटी ने। भूपत भाटी के नाम पर किले का नाम पड़ा बटनेर। ठीक है, भूपत भाटी के नाम पर किले का नाम पड़ गया बटनेर। और इस दुर्ग के अंदर बलबन के रिश्तेदार शेर खां की कब्र भी बनाई गई। बलबन जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उसका रिश्तेदार था शेर खां। उस शेर खां की कब्र बटनेर दुर्ग के अंदर है। तो एक और विशेषता देखो, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए बटनेर के किले पर। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर। यह दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बना? गग्गर नदी के किनारे बना। अगर ऑप्शन में गग्गर है ही नहीं तो क्या करोगे? सरस्वती, दरस्वती, मर्त नदी, सोतर नदी, चितांग नदी, हकरा नदी और नाली नदी। अन्य नाम क्या क्या है इस गग्गर नदी के? सरस्वती, दरस्वती, चितांग, हकरा, नाली, सोतर, मर्त नदी, नट नदी, ये इसके अन्य नाम। तो यह गग्गर नदी के किनारे बना है, तो दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग। किताबों में आपके दिया हुआ है कि यह दुर्ग दानवन दुर्ग है। यह दुर्ग है दानवन दुर्ग, लेकिन यह दानवन दुर्ग नहीं है। दानवन दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, और इसके पहले चारों ओर गग्गर नदी का पानी आया करता था, इसलिए कौन सी श्रेणी का ये? जल दुर्ग। ठीक है, तो भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया 295 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में 295 ईस्वी से पहले कोई भी किला नहीं था, इसलिए राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कोई है तो वो कौन सा है? बटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है। विदेशी आक्रमण मैंने बोला कि सर्वाधिक हुए थे इस पर, वो विदेशी आक्रमण देखो कौन कौन से हुए। 1001 ईस्वी बटनेर के किले के ऊपर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से 1001 ईस्वी में जब बटनेर के किले पर आक्रमण किया, उसी समय 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का युद्ध हुआ था गोगा जी से। लोक देवता गोगा जी है ना, उनके साथ भी महमूद गजनवी का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ। यानी महमूद गजनवी टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण करने के लिए, जब 1001 ईस्वी में अटैक करता है, उस समय एक तो बटनेर के किले पर अटैक करता है और एक गोगा जी के साथ युद्ध करता है। गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे 1001 ईस्वी। फिर देखो 1398 में बटनेर के किले पर आक्रमण करता है तैमूरलंग। ये समरकंद का राजा हुआ करता था। तैमूरलंग कहां का राजा हुआ करता था? समरकंद। तो समरकंद का राजा हुआ करता था, उसने ये जो समरकंद नाम की जगह जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ती है, तो समरकंद के राजा तैमूरलंग ने, इस नाम था इसका तैमूर था, इसके नाम के आगे लंग क्यों लगता है? लंगड़ा था। ठीक है, लंगड़ा था, इसलिए तैमूरलंग कहा जाता है।
1398 में जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया उस समय यहां पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था तो वो बटनेर है। कब? 1398 ईस्वी में अटैक किया था। तो तैमूरलंग की आत्मकथा, तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में इसने एक लाइन लिखी थी, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी थी कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। यह बात किसने बोली? तैमूरलंग ने। कहां पर लिखी? तुजुक ए तैमूरी। एक होता है जीवनी और एक होता है आत्मकथा, दोनों में अंतर क्या होता है? आत्मकथा खुद के बारे में लिखना और जीवनी किसी दूसरे के बारे में लिखना। तो तुजुक ए तैमूरी तैमूरलंग की आत्मकथा थी, इसमें यह लाइन लिखी गई थी कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। एक दुर्दांत आक्रमणकारी था, समरकंद का शासक हुआ करता था, तैमूर का आगे जो चलकर तैमूर के बाद जो राजा बना था वो सॉरी चंगेज खां के बाद जो राजा बना था वो तैमूरलंग बना था। बहुत ही दुर्दांत आक्रमणकारी, कभी इनके वीडियो वगैरह देखना, कभी इनकी फोटो देखना, भयंकर आक्रमणकारी था। तो आगे 1534 हुमायूं के भाई का नाम हुआ करता था, हुमायूं के भाई कामरान, और कामरान रहता था लाहौर के अंदर। लाहौर से आता है कामरान और 1534 में बटनेर के किले पर आक्रमण करता है। 1001 ईस्वी में गजनवी ने आक्रमण किया, 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया, 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने आक्रमण किया। फिर देखो 1805 ईस्वी में बीकानेर का राजा था सूरत सिंह, और बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया 1805 में। उस दिन मंगलवार था, उस दिन मंगलवार था, और ये सूरत सिंह हनुमान जी का भक्त हुआ करता था। मंगलवार के दिन इस बटनेर को जीता, तो मंगलवार हनुमान जी का वार होने के कारण बटनेर का नाम कर दिया गया हनुमानगढ़। वर्तमान में नाम पूछे तो हनुमानगढ़। समझ में आया? दोबारा थोड़ा सा देख लो, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में निर्माण 295 ईस्वी में गुप्त भाटी ने करवाया, गग्गर नदी के किनारे स्थित है, बलबन के रिश्तेदार शेर खां की कब्र बनी है। टोटल कितनी जमीन के अंदर यह किला है? तो 52 बीघा भूमि में फैला है। यह किला 52 बीघा भूमि के अंदर फैला हुआ है। 1001 ईस्वी में अटैक किसने किया? महमूद गजनवी। 1398 में तैमूरलंग ने, 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने, और 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया। उस दिन मंगलवार हनुमान जी का वार होने के कारण बटनेर का नाम कर दिया हनुमानगढ़। ये तो है बटनेर दुर्ग के बारे में। अब मैप याद है ना राजस्थान का? नए वाला तो याद होना, वो पुराने वाला तो याद होगा। सबसे उत्तर में गंगानगर हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़ से नीचे बीकानेर और चूरू। चूरू में देखो, चूरू में देखो, चूरू का किला देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इस मरुस्थल के अंदर भी जो राजा हुआ करते थे वो मरुस्थल के अंदर भी कितने सुंदर किले बनाया करते थे। ये चूरू जिसके चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल, वहां पर एक इतना भव्य किला बनाया गया, और वो भव्य किला बनाया 1739 ईस्वी के अंदर चूरू के सामंत कुशाल सिंह ने। चूरू के सामंत कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में, और
इस चूरू के किले के अंदर एक मंदिर है, वो मंदिर किसका है? गोपीनाथ जी का मंदिर। और चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध किला, इस दुर्ग के ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे। कैसे? देखो, घटना है 1814 ईस्वी की। 1814 ईस्वी में बीकानेर का राजा था सूरत सिंह, बीकानेर का राजा सूरत सिंह, और चूरू का सामंत हुआ करता था शिव सिंह। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने चूरू के सामंत शिव सिंह पर अटैक किया। शिव सिंह पर जब अटैक किया तो उस समय इसे चूरू के किले के चारों ओर सुनार जाति के लोग रहा करते थे। सुनार जाति के लोग रहा करते थे, तो यहां पर जब गोला बारूद समाप्त हो गया शिव सिंह के सैनिकों के पास, तो सुनार जाति के लोगों के पास चांदी थी, उन चांदी से वो गोले बना बना कर देते हैं शिव सिंह के सैनिकों ने। शिव सिंह के सैनिकों ने सूरत सिंह की सेना पर चांदी के गोले दागे थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो चूरू का किला। ठीक है, चूरू का किला निर्माण 1739 किसने करवाया? कुशल सिंह ने। यहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है, चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। सूरत सिंह ने 1814 में शिव सिंह पर अटैक किया था, शिव सिंह के सैनिकों ने सूरत सिंह के सैनिकों पर चांदी के गोले दागे थे। फिर देखो, चूरू के नीचे बीकानेर, बीकानेर के अंदर किला कौन सा है? जूनागढ़ का किला। बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का किला और किन किन नामों से जाना जाता है? इस किले को बोलते हैं जमीन का जेवर, और इस किले को बोलते हैं राप्ती घाटी का किला। जमीन का जेवर, राप्ती घाटी का किला। इस किले के अंदर जो बुर्ज है वो कितनी है? बुर्ज कितनी है? बुर्ज जानते हो? बुर्ज, बुर्ज है 37। देखो बुर्ज क्या होती है। ये किला, कोई भी दुर्ग देखा होगा आपने, किले के चारों ओर जो दीवार होती है उस दीवार के अंदर इस तरीके से गोलाकार स्तंभ बने होते हैं। उन गोलाकार स्तंभों को क्या बोलते हैं? बुर्ज बोलते हैं। ये बुर्ज होती है। जूनागढ़ दुर्ग में ऐसी कितनी बुर्ज है? तो 37 बुर्ज। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1588 से लेकर 1594 के बीच बीकानेर के राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण करवाया गया था। और जूनागढ़ दुर्ग के जो एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है, वो कितने? जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पूछे तो दो। कौन कौन से? एक का नाम है सूरज पोल और दूसरे का नाम है कर्ण पोल। सूरज पोल और कर्ण पोल नाम के दो प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से जो सूरज पोल एंट्री गेट है उस एंट्री गेट के पास, यानी ये जो गेट हैं इस गेट के पास एक साइड में तो जयमल की और दूसरी साइड में हत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं बनी। गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार प्रतिमाएं। जयमल और फत्ता मेवाड़ के शासक उदय सिंह के दो सेनापति हुए हुआ करते थे, उनकी यहां पर प्रतिमाएं लगाई गई। ठीक है, राजस्थान का एक ऐसा किला जो उस्ता कला कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। उस्ता कला कारीगरी के लिए कौन सा किला फेमस है? तो जूनागढ़ का किला। दोबारा देखो, जूनागढ़ दुर्ग, जिसके अन्य नाम क्या क्या? इसे जमीन का जेवर कहते हैं और इसे राती घाटी कहते हैं। टोटल बुर्ज कितनी है? 37। बुर्ज जानते हो? दीवार के अंदर गोलाकार स्तंभ होते हैं, उनको बोलते हैं बुर्ज।
और वो बुर्ज इसलिए बनाई जाती थी कि कोई भी दूसरा आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आए तो बुर्ज के अंदर सैनिक खड़ा होकर दूसरी सेना पर तीर और बंदूक से वार कर सके, इसलिए बनाई जाती थी। 1588 से लेकर 1594 में राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण करवाया गया और इसके प्रवेश द्वार कितने? दो, एक सूरजपोल और एक कर्णपोल। सूरजपोल के पास जयमल और फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं बनी हुई और उस्ता कला कारीगरी के लिए प्रसिद्ध किला राजस्थान का कौन सा है? जूनागढ़। उस्ता कला जानते हो? ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना उस्ता कला होती है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना। तो एक बीकानेर के अंदर मथेरणा कला भी है और एक बीकानेर के अंदर उस्ता कला भी। मथेरणा कला क्या होती है? तो धार्मिक स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना कहलाता है मथेरणा कला। ऊंट की खाल पर कारीगरी करना उस्ता कला और धार्मिक स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना मथेरणा कला। आगे सोनारगढ़ दुर्ग, बीकानेर से नीचे कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। बीकानेर से नीचे जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ किले के अन्य नाम क्या क्या? इसे कहते हैं सवर्णगिरी, इसे कहते हैं जैसलमेर दुर्ग, इसे कहा जाता है त्रिकुटगढ़ और इसे कहा जाता है गोहरानगढ़ और उसे कहा जाता है उत्तरी भड़कीवाड़। ये इस किले के अन्य नाम है, सवर्णगिरी, जैसलमेर दुर्ग, त्रिकुटगढ़, गोहरानगढ़ और उत्तरी भड़कीवाड़। ये चीज कंफ्यूज करेगी आप। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर है और उत्तरी भड़कीवाड़ है जैसलमेर। जैसलमेर देखो, जैसलमेर या सोनारगढ़ सोने की, मतलब दूर से देखने पर सोने जैसा लगता है, इसलिए इसको सवर्णगिरी कहते हैं। एक बंगाल का फिल्मकार हुआ करता था सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई थी सोनारगढ़ के नाम से इस किले के ऊपर, इसलिए कहा जाता है सोनारगढ़। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। जैसल भाटी ने निर्माण करवाया। इस दुर्ग की छत है ना, छत लकड़ी की बनी, छत लकड़ी की बनी है। अब आप सोच रहे लकड़ी की कैसे बनती? पुराने कोई मकान देखे होंगे आपने, ये जो गार्डन हुआ करती थी उसकी जगह ना तो कहीं पर लोहे का यूज हुआ यहां पर, ना कोई और है, सीधे बड़े बड़े सीधे के सीधे पेड़ के पेड़ काट काट कर लगा दिए जाते थे। अब आप सोच रहे हो दिमक क्यों नहीं लगती, या इतना सोचा ही नहीं? दिमक से बचाने के लिए गोमूत्र का लेप किया जाता है, ठीक है? दिमक से बचाने के लिए गोमूत्र का लेप किया जाता है, इसलिए लकड़ियों में दिमक नहीं लगते। इस दुर्ग के अंदर बुर्ज पूछ ले कितनी? बुर्ज है 99। राजस्थान के बाकी किसी भी किले के अंदर 99 बुर्ज नहीं, तो राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला पूछ ले तो भी सोनारगढ़। दुर्ग के अंदर एक स्थान है जिसको बोलते हैं सतियों का पगोथिया। सतियों का पगोथिया, पगोथिया यानी पैरों के निशान, सतियों के पैरों के निशान। जैसलमेर दुर्ग के अंदर कोई भी महिला सती होती थी तो वो सती होने के लिए एक रास्ता बना था, उसी रास्ते से जाया करती थी, उस रास्ते का नाम पड़ गया सतियों का पगोथिया। तो राजस्थान में सतियों का पगोथिया कौन से किले के अंदर है? तो सोनारगढ़ या जैसलमेर किले के अंदर। तो एक है जैन ग्रंथ भंडार। जैन ग्रंथ भंडार जिसको जैन यति
ज्ञानचंद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी बोला जाता है। राजस्थान के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का राजस्थान का सबसे बड़ा भंडार कौन सा माना जाता है? तो जैन ग्रंथ भंडार। हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार जैन ग्रंथ भंडार। और जैन ग्रंथ भंडार कहां पर है? तो जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में शाक्य कितने हुए? 28 शाक्य। 28 शाक्य। शाक्य जानते हो? शाक्य जानते हो? जैसलमेर में 28 शाक्य हुए। 28 प्याले शराब पीने वाली देवी कौन सी? जीण माता है। 28 प्याले शराब का चरणामृत करने वाली माता सिल्ला माता है। 28 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर। राजस्थान कौन से देश के क्षेत्रफल से 28 गुना ज्यादा है? नेपाल। नेपाल से 28 गुना ज्यादा है। तो 28 शाक्य जैसलमेर में हुए। वो 28 शाक्य देखो कैसे हुए? दो तो पूरे हुए और एक आधा हुआ। वो 28 शाक्य देखो कैसे हुए? पहला शाका सन आता है 1292 से लेकर 1313 तक। इसके बीच का कोई भी सन आ सकता है। 1292 में घेरा डाला, 1313 में किला को जीता गया था। 1292 में घेरा डाला, 1313 में जैसलमेर के किले को जीता गया। आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक बार सिंध प्रांत से दिल्ली जा रहा था, यानी पाकिस्तान से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जा रहा था तो जैसलमेर वाले रास्ते से गुजर रहा था, और जैसलमेर में जो भाटी थे वो कहते हैं लूटमार कर लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी यहां से घोड़े लेकर जा रही थी। घोड़े लेकर जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी यहां पर विश्राम करने के लिए रुकी, तो जैसलमेर के भाटियों ने सारे के सारे रातों रात घोड़े गायब कर दिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी सुबह उठकर देखता है तो घोड़ा एक भी नहीं है वहां पर। तो अलाउद्दीन खिलजी इधर उधर पता करता है कि हमारे घोड़े कौन ले गया, क्या राजा से पता करो। जैसलमेर का उस समय राजा हुआ करता था मूलराज। मूलराज अलाउद्दीन खिलजी मूलराज के पास गए। मूलराज को जाकर कहा जी हमारे घोड़े आपकी रियासत में हमारे घोड़े गायब हो गए। मूलराज कहते हमें क्या पता। पर चुरवाए किसने? मूलराज ने। मूलराज ने कहा हमें कोई पता नहीं है घोड़े। क्या लोग तो सारे आपका ही नाम ले रहे कि कोई बात नहीं नाम ले रहे तो मेरे को टेंशन नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं अटैक कर दूंगा तेरे ऊपर। मूलराज कहते कोई दिक्कत नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने सच्ची में अटैक कर दिया। सच्ची में अटैक किया तो मूलराज लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया, और दुर्ग के अंदर जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया था। इसको बोलते हैं जैसलमेर का पहला शाका। फिर देखो अटैक करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है, मूलराज मारा गया है, घेरा 1292 में डाला और जीता 1313 के अंदर। दूसरा शाका कब होता? दूसरा शाका 1371 में हुआ। दूसरे शाके में जो आक्रमण किया वो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह है तुगलक ने किया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह है तुगलक ने किया था। यहां पर राजा हुआ करता था उस समय रावल दुद्दा। राजा कौन है? रावल दुद्दा। घटना वही पहले वाली सेम की सेम हुई। अब की बार ये फिरोज शाह तुगलक है वो पाकिस्तान से दिल्ली जा रहा था, वही सेम की सेम घटना घोड़े लेकर जा रहा था। तो इस रावल दुद्दा ने घोड़े चुरवा लिए। फिरोज शाह तुगलक ने जाकर पूछा तो नट गया ही। दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो रावल दुद्दा मारा गया, दुर्ग की महिलाओं ने जौहर कर दिया। तीसरा जो 1550 के अंदर हुआ वो माना जाता है अर्धशाका। वो अर्धशाका देखो कैसे माना जाता है। कंधार, नाम सुना होगा कभी कंधार का? कंधार का एक राजा हुआ करता था अमीर अली। कंधार का राजा अमीर अली, और जैसलमेर का राजा हुआ करता था
लूणकर्ण भाटी, रूठी रानी उमा दे नाम सुना होगा आपने, रूठी रानी उमा दे के पिता का नाम था लूणकर्ण भाटी, यह वही लूणकर्ण भाटी है। ये अर्धशाका क्यों होता है देखो, पहले वाले तो पूरे हुए, जोहर भी हुआ केसरिया भी हुआ, केसरिया और जोहर दोनों हो जाते हैं वो शाका पूरा हो जाता है। यहां पर क्या होता है, कंधार का राजा अमीर अली, अमीर अली ये दो भाई हुआ करते थे, अमीर अली का बड़ा भाई कंधार की गद्दी पर बैठ गया, छोटे भाई को वहां से निकाल दिया। छोटे भाई अमीर अली के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, तो अमीर अली घूमता घूमता आ गया जैसलमेर। जैसलमेर आकर लूणकर्ण भाटी को बोलता है कि यार भाई मेरा भाई मेरे को कंधार में प्रवेश नहीं करने दे रहा है, और तू यार मेरी हेल्प कर दे, मेरे रहने की सुविधा कर दे यार थोड़ी बहुत। तो अमीर अली की बात सारी की सारी बात मान लेता है लूणकर्ण भाटी के, कोई बात नहीं यार, दया आई लूणकर्ण भाटी को, दया आई का ठीक है भाई कोई बात नहीं मैं रख लूंगा। एक साइड में टेंट बना दिए, अमीर अली के टेंट बने हुए और सोनारगढ़ के किले में रह रहे हैं लूणकर्ण भाटी। लूणकर्ण भाटी और अमीर अली दोनों दोस्त बन गए, रोजाना दिन में 10-10 बार मुलाकातें होती, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके आते, अच्छी दोस्ती हुई दोनों की, दोनों में अच्छी दोस्ती। तो उधर टेंट में रह रहा है अमीर अली, सोनारगढ़ के किले में रह रहा है लूणकर्ण भाटी। एक दिन लूणकर्ण भाटी बैठा बैठा बोल रहे अमीर अली को, क्या यार अमीर अली अपने तो दिन में पूरे पूरे दिन मुलाकातें करते हैं, चलते हाय हेलो कर लेते हैं, यार कभी मेरी रानियों की मुलाकात तेरी बेगमों से तो करवा, उनका भी यार चुगलियां चुगलियां करने का मन करता है, ऑफर आया हुआ है रानियों के। अमीर अली का कोई बात नहीं है मुलाकात करवा देंगे। तो अमीर अली भेजने को राजी हो गया, अमीर अली कहता चलो कोई नहीं शाम को ही मैं बेगमों को भेज दूंगा बातें कर लेगी। लेकिन वो लूणकर्ण भाटी कहता है अमीर अली को कि यार ऐसे मुलाकातें थोड़ी होती, कोई स्पेशल दिन निश्चित किया जाए, जिस दिन एक ऐसा दिन निश्चित करें जिस दिन दुर्ग के अंदर कोई भी पुरुष नहीं होगा, ओनली महिलाएं महिलाएं होगी, तो खुले दिल से बात कर सकती है। महिलाओं की अकेली अकेली की बातों होती है ना, बहुत ही भयंकर तरीके से बातें होती है, बहुत ही भयंकर तरीके से सुनने वाले के कान फट जाते, यार लुगाई ऐसी ऐसी बात करेगी, गजब ही लागे वांगी बात। कई बार तो बंदे को अकेले को शर्म आ जाती है, खड़ा होकर दूर जाना पड़ता है कि यार ये क्या बोल रही है। तो एक दिन निश्चित किया गया, लूणकर्ण भाटी कहता है कि इतनी इतनी तारीख को हमारा कोई भी सैनिक या कोई आदमी दुर्ग के अंदर नहीं होगा, ओनली महिलाएं होंगी, तेरी बेगमों को इस दिन भेज देना मुलाकात कर लेगी। क्या ठीक है, वो दिन आ गया। एक दिन अब इधर से बेगमे मेकअप वगैरह करके तैयार हो रही है, इधर से वो रानियां एक से बढ़कर एक सूट तीवल पहन रही है और कह रही है बातें करेंगे आज, और फिर महिलाओं की बातें वही ओके फिर ये मरु ये तेरे तो ज्यादा ही जच्चे हो, इतनी फूटरी लागे तो अगली ना फूटरी लागो बोले, पर अगली ने चक्के छोड़ दिया, अगली मेरे पर कोई को नहीं ली। तो अब इधर से बेग में आएगी मुलाकात करने के लिए, बेग में तैयार हो रही है, पालकियां सजाई जा रही है, पालकियां सजाई बेग में होती है, कोई रानियां होती स्पेशल हुआ करती थी, पालकियों में बैठ कर आया करती थी, पालकी जानते होंगे, हाँ फिर ठीक है। तो पालकियों में बैठकर बैठने के लिए वो तैयार हो रही है बैग में, किसी ने आकर अमीर अली को कहा कि अमीर अली तू तो बावड़ा है, कह यार मैं बावड़ो क्या हो गयो, मुलाकात करवाऊंगा तो मैं बावड़ो हो गयो, कह नहीं थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा दिमाग लगा, मौके का फायदा उठा, जैसलमेर के किले के अंदर आज कोई आदमी नहीं है तो तू बेगमों को क्यों भेज रहा है, आदमी भेज। अमीर अली का दिमाग खराब है,
इं थोड़ी ग्रीक रहे के नहीं, अगर आदमी जाएंगे तो दुर्ग को जीत लेंगे अपने। अभी दिमाग लगाया कि यार ये बात तो सही है, ऐसे तो कर सकते हैं अपने। अब वो जो पालकियां सजाई हुई थी, उन पालकियों के अंदर बुरके पहन पहन कर सारे के सारे सैनिक बैठ गए। पालकियों के अंदर सारे के सारे सैनिक बैठ गए, बैग में बेचारी नाई धोई मसा तैयार हुई, अरे अब्बा मुंह लटकाए मां बैठी, मरियो को नहीं रेकेटा कौन का आंगली लगा रखी हुए के बातां करा और के ना करा। अब सारे के सारे जो पालकियां थी उनके अंदर बुरके पहनकर सैनिक ही सैनिक बैठे हुए, और चार बंदे पालकी को उठाएंगे, एक बुरका पहनकर अंदर बैठ गया, एक पालकी के साथ कितने बंदे हो गए, पांच हो गए। तो चार तो उठाए हुए, एक बीच में बैठा है, बेगम बन के बैठा है। अब वो पालकियां लगभग 50 एक पालकियां थी, 50 पालकियां वहां से आएगी तो लगभग 250 बंदे आ गए। वो गेट के पास वो पालकियां पहुंची तो जैसलमेर दुर्ग का जो गेट कीपर था ना, उस गेट कीपर को शक हुआ कि यार एक एक पालकी को चार चार बंदे उठाए हुए हैं और चारों के पैर कांप रहे हैं, बेगम में इतना कितना वजन हो सकता है। बेगम तो होती है हड़की फुड़की कोई 32-33 किलो की बेगम, ऐसे थोड़ी कि डेढ़ डेढ़ कुंटल की बेगम होगी, ऐसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। उस गेट कीपर ने कहा मेरे को बेगम देखनी। सैनिकों ने कहा ऐसी बेगम थोड़ी दिखती है, बेगम अंदर रानियों से मिलेगी तभी दिखेगी, बीच में कोई बेगम नहीं देख सकता। क्या नहीं मेरे को देखनी। अब उसे गेटकीपर को शक हुआ कि ये बेगम दिखा क्यों नहीं रहे। गेटकीपर क्या करता है, एक पालकी के लमूट के बुरका खींच लेता है, बुरका खींचा दाढ़ी बाहर आ गया। अब हाहाकार मचा दिया उससे सैनिक, यार ये गड़बड़ कर रहे हैं सारे के सारे, पालकियों के अंदर कोई बेगम नहीं है, सारे सैनिक ही सैनिक बैठे। अब सारे के सारे सैनिक बैठे हुए हैं तो इधर लूणकर्ण भाटी के सैनिकों को पता लगा कि अंदर बेगम कोई भी नहीं जा रही है, बेग में सारी टेंट के अंदर बैठी है नाई धोई। वो इधर से तो आ जाते हैं लूणकर्ण भाटी के सैनिक और इधर से आ जाते हैं अमीर अली वाले बुरके पहनकर जो आए हुए थे, वो सारे के सारे बाहर निकल जाते। दोनों सेनाएं भयंकर तरीके से लड़ती। वो अमीर अली क्या करता है, लूणकर्ण भाटी को मार देता है। अमीर अली ने लूणकर्ण भाटी को मार दिया, राजा मर गया, लेकिन जैसलमेर वाले भाटी युद्ध में जीत गए। अंदर महिलाओं को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो महिलाएं तो वेट कर रही है अंदर कि हाँ बेग में आएगी बातें करेंगे, और अंदर महिलाओं को पता ही नहीं यार बाहर कैसे रिया हो गया। और जैसलमेर वाले भाटी युद्ध में जीत गए, इसलिए बोला जाता है इसको अर्धशाका, महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, ओनली केसरिया हुआ। ये जैसलमेर का अर्धशाका है। तो दो तो पूरे हुए और एक आधा हुआ, ये आधा इस तरीके से हुआ। रानियों के साथ तो वैसे माड़ी हुई, आफरी हुई बैठी थी कि क्या क्या बातें करेंगे, और बेगमों के साथ वैसे माड़ी हुई कि आनी नहीं दी उनको। तो ये जैसलमेर वाला अर्धशाका, ठीक है। तो जैसलमेर दुर्ग वाला समझ में आ गया सारा का सारा। सतियों का पगोथिया है, जैन ग्रंथ भंडार है यहां पर, और अढ़ाई साके हुए थे। जैसलमेर के अंदर एक और किला है, जैसलमेर के अंदर एक और किला है, वो कौन सा है, पोकरण का किला। ये चीज याद रखना आप, पोकरण का किला पूछे तो जैसलमेर में, और पोकरण की हवेली पूछ ले तो जोधपुर के अंदर। पोकरण का किला जिसका निर्माण करवाया था मालदेव ने, पोकरण के किले का निर्माण करवाया मालदेव ने। एक सबसे खास बात यह, मालदेव के पुत्र का नाम क्या था, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जब मुगलों से लड़ रहा था तो राव चंद्रसेन के पास धन समाप्त हो गया था, अपनी आर्मी पर खर्च करने के लिए राव चंद्रसेन के पास पैसे टके नहीं थे। तो राव चंद्रसेन ने ये जैसलमेर वाला पोकरण का किला है, वो जैसलमेर के राजा हरराय भाटी के पास गिरवी रखा था। बस ये दो ही बातें याद करनी,
बातें क्या हैं? पोकरण का किला, जैसलमेर, निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने करवाया था। मालदेव के पुत्र का नाम चंद्रसेन, चंद्रसेन ने इसको हर राय बाटी के पास गिरवी रख दिया था। ठीक है, जैसलमेर में एक और किला है, जैसलमेर में एक और किला है, मोहनगढ़ का किला। ये देखो मोहनगढ़ का किला नया सा लग रहा है ना, ये सुंदर लग रहा है ना, इसलिए राजस्थान का सबसे नवीन किला, राजस्थान का सबसे नवीन किला, सबसे लास्ट में जो किला बना था राजस्थान में, वो किला कौन सा है? मोहनगढ़ का किला। सबसे पहले बटनेर, सबसे लास्ट में मोहनगढ़। मोहनगढ़ के किले का निर्माण हुआ था 1965 स्वतंत्रता के बाद बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ का किला। 1965 में इसकी नींव रखी थी जवाहर सिंह ने, नींव तो रखी जवाहर सिंह ने, और इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जवाहर सिंह के पुत्र हुकम सिंह ने। राजस्थान का सबसे नया किला यह माना जाता है। ठीक है, तो बटनेर जैसलमेर वाला, सॉरी हनुमानगढ़ वाला बटनेर पढ़ लिया, चूरू वाला चूरू का किला पढ़ लिया, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग पढ़ लिया, और जैसलमेर में तीन दुर्ग पढ़ लिए, सोनारगढ़, पोकरण और मोहनगढ़। आगे कल पढ़िए, बंद करिए।